राजस्थान से निर्वाचित हुए राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना नौजवानों के खिलाफ ही नहीं राष्ट्रहित के भी खिलाफ है। भारतीय सेना को कमजोर करने की साजिश है। हम चाहते हैं कि कृषि कानून को 700 किसानों के सरहद के बाद वापस लिया था, मेहरबानी करके इस योजना को भी जल्द ही वापस ले ले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति करके राष्ट्रहित को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक कल कारखाने बेचे, भारत की संपदा बेची, सार्वजनिक उद्योग बेचे, अब ये भारत की युवा शक्ति के भविष्य को भी बेचना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। दो लोगों के हित के लिए करोड़ों नौजवानों के हित को कुर्बान मत करो। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि 50,000 सैनिकों की दौड़ हो चुकी है, मेडिकल हो गया है, लेकिन स्कीम आ गई, अब कैंसिल हो गई। भारत की जवानी को नीलाम कर रहे, अब आर्मी को मत बेचो। मोदी जी, आप 72 साल के नेतृत्व कर रहे हैं तो वहीं 23 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने भी अपने सेवा काल को बढ़ाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। अब युवाओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। वन रैंक वन पेंशन की नीति छोड़कर नो रैंक नो पेंशन की नीति पर चल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।